और ये हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। अभी एग्जांपल से आपको बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ना मेलबर्न, मेलबर्न का मतलब क्या है, मेलबर्न इट रेफर्स टू ओनली वन पार्टिकुलर सिटी, आई मीन मेलबर्न किसी खास शहर का नाम है, इट इज द नेम ऑफ द सिटी। इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं एक लफ्ज मैंने सिटी लिखा हुआ है, या जहां पर मैंने कर्सिव लिखा हुआ है मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, या फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा ये एक लफ्ज मैंने सिटी लिखा हुआ है और दूसरा मैंने लफ्ज मेलबर्न लिखा हुआ है, क्लियर। यानी ये दो अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं, वन इज आई मीन मेलबर्न इज द नेम ऑफ ए सिटी, ये किसी जगह का नाम है, दैट इज व्हाई दिस मेलबर्न इज व्हाट दिस मेलबर्न इज द प्रॉपर नेम। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम सिटी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिटी की बात करते हैं, सिटी इज द नेम ऑफ, आई मीन सिटी इज नॉट द प्रॉपर नेम, हर एक शहर को शहर कहते हैं, दैट इज वाई सिटी जो है ये क्या है, ये कॉमन नाउन है, लेकिन मेलबर्न जो है ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट इज द नेम ऑफ ए पर्सन, आई मीन पर्टिकुलर सिटी, क्लियर। सिमिलरली मैंने यहाँ पर स्टीव का नाम लिखा हुआ है, क्लियर, दिस इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, इट इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, सो दैट इज वाई इट इज ए प्रॉपर नेम, इट इज ए प्रॉपर नेम, समझ आ गया आपका, इसको हम पर्टिकुलर नेम कह सकते हैं, क्लियर। अगर इसके मुकाबले में आप ये कहते हो रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर पर्सन, देखिए जो पर्सन है, पर्सन ये भी नाउन है, लेकिन पर्सन क्या है, इट्स ए कॉमन नेम, बिकॉज हर शख्स को पर्सन कहते हैं, क्लियर। लेकिन स्टीव किसी नाम, किसी बंदे का नाम है, सो दैट इज वाई पर्टिकुलर नेम या प्रॉपर नेम ये क्या होता है, इट इज द स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी प्लेस, एनी पर्सन, एनी थिंग एटसेट्रा, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया, यस, अगर आप बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया, इट इज द नेम ऑफ एनी कंट्री, ये किसी पार्टिकुलर कंट्री का नाम है, इस नाम से कोई दूसरा नाम नहीं है, सो दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया इज ए पार्टिकुलर कंट्री। लेकिन इसके मुकाबले में मैं अगर फॉर एग्जाम्पल कंट्री की बात करता हूँ, कंट्री इज ए कॉमन नेम, कंट्री इज ए कॉमन नेम, क्लियर, बिकॉज हर मुल्क को मुल्क ही तो कहते हैं, हर मुल्क को क्या कहते हैं, मुल्क कहते हैं, समझ आ रहा है बात, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हो, ये किसी मुल्क का नाम है, क्लियर, दिस नेम इज फिक्स्ड फॉर ओनली वन कंट्री, आपको बात समझ आ रही है, आई मीन यू सिंपली कैन से दैट द प्रॉपर नेम इट इज द पर्टिकुलर नेम, इट इज द पर्टिकुलर नेम, ये एक स्पेसिफिक नेम होता है, ये खास नाम होता है जो किसी एक शख्स का या किसी एक जगह का या किसी एक चीज का हो सकता है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मोर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा एलेक्स इज ए वंडरफुल प्लेयर, क्लियर, आप देखिएगा एलेक्स इज ए वंडरफुल प्लेयर, एलेक्स इज ए नेम, आई मीन पर्टिकुलर पर्सन, ये किसी बंदे का नाम है, किसी शख्स का नाम है, सो दैट इज वाई इट्स ए प्रॉपर नेम। लेकिन इसी सेंटेंस में आप देखिएगा प्लेयर भी तो नाम है कि नहीं है, लेकिन हर प्लेयर को प्लेयर कहते हैं, इस वजह से प्लेयर का जो लफ्ज है ये क्या है, ये एक कॉमन नाउन है, ये क्या है, एक कॉमन नाउन है, आपको मेरी बात समझ आ रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल एलेक्स जो है वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है, बिकॉज इट्स ए नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन। सिमिलरली ही प्लेज फॉर सिडनी सिक्सर्स, यस, सिडनी सिक्सर्स इज द नेम ऑफ ए क्लब, इट्स द नेम ऑफ ए प्रॉपर प्लेस, क्लियर, सो दैट इज व्हाई आई मीन सिडनी सिक्सर्स क्या है, ये प्रॉपर नाउन है, बिकॉज ये आपको प्रॉपर प्लेस के बारे में बता देता है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फॉर क्लब, वो क्लब के लिए कहता है, तो क्लब भी तो किसी चीज का नाम है, बट यू नो कि हर क्लब को हम क्या कहते हैं, हर क्लब को हम क्लब ही के तो कहते हैं, लेकिन जब हम इसका कोई नाम रख लेते हैं, क्लियर हो गया आपकी बात, ठीक है, तो फिर हम क्या रखते हैं, वो क्या होता है, वो प्रॉपर नेम कहलाते हैं। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, He was born in England. Yes, for example, now you see, England is a name. It's a name of a particular country. अगर हम ये कह देते हैं कि he was born in a country, वो एक मुल्क में पैदा हुआ, तो country तो common है, because हर मुल्क को तो हम मुल्क ही तो कहते हैं, हर country को country ही तो कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी country को आप कोई नाम दे देते हो, then that name becomes what? वो name होता है, तो क्या बन जाता है? वो particular name. क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड क्या है, इट्स ए नेम, इट इज अ नेम, ये किसी मुल्क का नाम है। ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया व्हेन ही वाज यंग, ही मूव्ड टू ऑस्ट्रेलिया, अब देखो ऑस्ट्रेलिया इज अ नेम,
He lives in Sydney. वो सिडनी में रहता है. So you know कि जो मैंने आमीन हाईलाइट किए हुए हैं, जो अल्फाज मैंने फॉर एग्जाम्पल क्या कहलाते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये पार्टिकुलर, बिकॉज रिमेंबर के पार्टिकुलर नेम जो होता है या प्रॉपर नेम जो होता है, ठीक है, ये इट इज दैट नेम, ये वो नेम होता है विच इज अ स्पेसिफिक नेम, जो किसी चीज का खास नाम कहलाता है. आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया बात? ठीक है, मैं दोबारा आपको दोहरा के देता हूँ. अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखिएगा, एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर. यस, एलेक्स एक अच्छा प्लेयर है. देखिएगा, एलेक्स इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, सो दैट इज व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन. लेकिन प्लेयर जो है ये भी तो एक नाम है, खिलाड़ी, प्लेयर, क्लियर. लेकिन प्लेयर इज अ कॉमन नाउन, प्लेयर इज अ कॉमन नाउन, बिकॉज एवरी प्लेयर इज कॉल्ड अ प्लेयर. हर प्लेयर को प्लेयर भी कहते हो, क्लियर. अगर मैं कहता हूँ ही प्लेज फॉर सिडनी सिक्सर्स, यहाँ पर मैंने सिडनी सिक्सर्स की बात की, इट मीन मैंने किसी जगह का नाम ले लिया. So Sydney Sixer, I mean it's a proper name. लेकिन अगर मैं कहता हूँ he plays for club, तो फिर तो club, तो every club is club. So इस वजह से club जो है वो common नाम हो जाएगा. He was born in England, England में पैदा हुआ, England is a name. He moved to Australia when he was young, जब वो छोटे थे तो Australia चले गए, Australia से name. He lives in Sydney, वो Sydney में रहता है. Clear? So you see कि the proper noun. The proper noun, it is the name of particular, it is the name of a specific person. Yani kisi bhi khas jagah ka, khas place ya khas cheez ke naam ko hum kya kehte hain, proper noun kehte hain. Hamesha yaad rakhna, ye jo maine sentence likha hai, the proper noun always begins with a capital letter. Ye hamesha capital letter se likhe jaate hain. Ye sentence mein jahan par bhi aate hain, wo hamesha kya likhe jaate hain, capital letter se. Clear? Another one is the common noun. Another noun is what? It is the common noun. Clear? अब देखिएगा, the common, देखिए, हम किसी भी नाम को common नहीं कह सकते हैं. Every noun is a specific name, यार. ठीक है? अब जब भी आप किसी से किसी के नाम का पूछते हो, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हम मेरा नाम common noun है. Every name, is a proper name. Clear? A common noun is a name for a type of thing, person, species, etc. We denotes a general name for something of the same group. अगर एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं और हम उन सबको एक ही नाम से पुकारते हैं, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कॉमन नाम कहेंगे. It is a name which is given in common to all things of the same group. यानी अगर एक ही क्लास से, एक ही फैमिली से, एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं और हम उनको एक ही नाम से पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं? हम उनको एक ही नाम से पुकारते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वो कॉमन बन जाता है. मतलब मैंने यहाँ पर दो तीन नाम लिखे, फॉर एग्जांपल लिखिएगा ट्री. हर एक ट्री को ट्री कहते हैं, हर एक ट्री को क्या कहते हैं? ट्री कहते हैं. समझ आ गया? सो ट्री से कॉमन है. अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो मैंगो ट्री, फिर ये प्रॉपर हो गया, बिकॉज आपने एक नाम दे दिया. मैन, हर एक मैन को मैन कहते हैं, एवरी मैन इज कॉल्ड मैन. क्लियर हो गया? लेकिन अगर आप कहते हो पाकिस्तानी मैन, फिर पाकिस्तानी इट्स अ प्रॉपर नेम. इसी तरह सिटी, एवरी सिटी इज कॉल्ड सिटी, हर सिटी को सिटी कहते हैं. क्लियर? लेकिन मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद ये तो आपने प्रॉपर कर दिया. आप लाहौर, कराची, जहाँ भी रहते हो, क्लियर, अगर आप कहते हो लाहौर या कराची, फिर तो आपने इसको क्या कर दिया? आपने इसको प्रॉपर कर दिया. समझ आ गया बात? ठीक है. सिमिलरली मैंने, अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा बुआ, हर एक बुआ को तो बुआ कहते हैं. ठीक है. या फॉर एग्जाम्पल दिखेगा यानी फ्रूट, अगर हम फ्रूट की बात करते हैं, एवरी फ्रूट इज कॉल्ड फ्रूट. लेकिन अगर आप इसका प्रॉपर नेम लिखते ले लेते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, गावा, एक्सेट्रा, फिर तो वो कॉमन की वजह प्रॉपर हो गए, बिकॉज आपने क्या कर दिया? आपने उसका एक नाम ले लिया. अरे आपको बात समझ में? अगर आप फॉर एग्जाम्पल मेरी बात समझिएगा, अगर आप कंट्री की बात करते हो, कंट्री इज ए कॉमन नेम, एवरी कंट्री इज कॉल्ड द कंट्री. क्लियर? लेकिन अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान, फिर तो पाकिस्तान एक प्रॉपर नेम है. क्लियर? अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल विलेज, क्लियर, एवरी विलेज इज कॉल्ड विलेज. क्लियर? बट इफ यू से द नेम ऑफ योर ओन विलेज, अगर आप अपने गांव का नाम लेते हो, फिर तो वो प्रॉपर हो गया. आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है. यानी द कॉमन नेम, नेम आर द कॉमन नाउन इज दैट नेम व्हिच इज गिवन इन जनरल to all things of the same group. यानी एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली जो चीजें होती है,
एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले जो चीजें होती हैं हम उसे क्या कहते हैं, और हम उसको एक ही नाम से पुकारते हैं हम उसे क्या कहते हैं, हम उसको कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ चेयर की, बात करता हूँ टेबल की, बात करता हूँ एटसेट्रा, क्लियर। देखिए एवरी चेयर इज कॉल्ड चेयर, हर चेयर को चेयर कहते हैं, आपको बात समझ आ गई। लेकिन अगर आप कहते हैं सोफा चेयर, फिर वो कॉमन नहीं है बिकॉज आपने तो नाम रख दिया। एवरी टेबल इज कॉल्ड टेबल, समझ आ रही। लेकिन अगर आप इसे कहते हो आयरन टेबल, फिर तो आपने इसको नाम रख लिया, फिर वो कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ टेबल कहते हो, फिर वो क्या हो गया, वो एक कॉमन, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉमन नाउन। आमीन, ये देखिए मैंने इतनी देर से एग्जाम्पल तो आपको दे दिए, क्लियर। स्टिल अगर मैं उन्हीं एग्जाम्पल को लेता हूँ जो मैंने प्रॉपर नाउन में इस्तेमाल किया था, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा एलेक्स इज अ वंडरफुल प्लेयर, यस। अब देखिए वहां पर मैंने एलेक्स को हाईलाइट किया था बिकॉज एलेक्स इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। लेकिन प्लेयर क्या है, एवरी प्लेयर इज कॉल्ड प्लेयर, हर प्लेयर 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 कहते हैं, सो दैट इज वाई द वर्ड प्लेयर इज अ कॉमन नेम, क्लियर, इट्स अ कॉमन नाउन, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ठीक है, The Sydney Sixers is a team he plays for. अब देखें Sydney Sixer, वहां मैंने तो proper noun कह दिया था, इसलिए कि it's a name of a club. लेकिन team, हर team को यार team कहते हैं, so team is a common one. He was not born in this country. वो इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ था। अब देखिएगा country is a common name. Sydney is the city he lives in. City, हर city को city कहते हैं. Is a man of dream. हर जो है ना, फॉर एग्जाम्पल मैन को मैन कहते हैं, क्लियर। हिज फ्रेंड्स अकॉम्पनीज हिम, क्लियर, हर फ्रेंड को फ्रेंड कहते हैं। दे टॉक अबाउट मूवीज, मूवीज एंड सेलिब्रिटीज, हर मूवी को मूवी कहते हैं, हर सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी कहते हैं, जब तक आप उसको नाम नहीं मुकर करते हो। हिज अ फैन ऑफ ह्यूज जैकमैन एंड द मूवी, ठीक है, वॉल्वराइन, क्लियर। अब देखिएगा फैन या मूवी, इट्स अ कॉमन नेम, क्लियर। तो अगर एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं, फॉर एग्जांपल उसको आप कॉमन नेम देते हो, क्लियर, सो देन इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स फॉर एग्जांपल इट बिकम्स द कॉमन नाउन। आपको मेरी बात सुन लीजिएगा, क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है। अनदर वन इज देखिएगा, क्लियर, इट इज ऑलवेज रिटन विद द स्मॉल लेटर। ये सेंटेंस में जहां पर भी आते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, अब हम इसको फॉर एग्जाम्पल हम इसको कॉमन नाउन से लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं, हम इसको कॉमन यानी फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लेटर लिखते हैं, समझ आ गया आपको बात, ठीक है। सो दैट इज वेयर रिमेम्बर, मेरी बात सुन लिया, ठीक है, यानी रिमेम्बर, क्लियर, कि कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली चीजों को हम देते होते हैं, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है। एक दफा प्लीज आप इस कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जो है ना, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे जाते हैं, क्लियर। यस, मैं आपको कल से नमाज ब्रेक देते हैं, ठीक है, यू शुड बी, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। मैंने तो नमाज जो है ना, यानी क्लास स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट की हुई थी, अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, आप मुझे पहले बता देते हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, मैं चूंकि छेट बार में पढ़ता हूँ, चूंकि लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नमाज तो जिस वक्त क्लास स्टार्ट हो रही थी ना उससे पहले मैंने पढ़ ली, तभी हमने तकरीबन 5-6 मिनट जो है ना क्लास लेट स्टार्ट की हुई थी, क्लियर हो गए, आप 1 मिनट के लिए पढ़ लीजिए। बस ये ऑनलाइन है कोई, ये आप लोग पढ़ लिए, आगे जाऊँ थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज कि हमने पढ़ना है, ठीक है, और हमने कंप्लीट भी करना होता है, ठीक है, इंशाल्लाह आपके साथ ये सारे मैं शेयर भी करूंगा, क्लियर। इसके बाद देखिएगा देयर इज अनदर वन दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिव नाउन, That is called the collective noun. What is collective noun? Collective noun क्या कहलाते हैं? Clear? Yeah.
यस, मैंने वहां से भी पढ़ाना है, आईकेप की बुक से भी पढ़ाना है मैंने, लेकिन आईकेप की बुक में जो ग्रामर है वो आई मीन प्रॉपर कोई सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इस वजह से मैं खुद लिखता हूँ और आपको खुद पढ़ाता हूँ। आईकेप की बुक से हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स वगैरह पढ़ने हैं, क्लियर, वो भी पढ़ेंगे, हमने सारी चीजें पढ़नी है, क्लियर। इसके बाद है फॉर एग्जाम्पल कलेक्टिव नाउन, द कलेक्टिव नाउन आई मीन रेफर्स टू द ग्रुप्स ऑफ पीपल आर थिंग्स, यानी कलेक्टिव किसे कहते हैं, कलेक्टिव बेसिकली कहते हैं, यार हम बाद में बात करेंगे प्लीज अरबी, ठीक है, तो जो है ना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच यार पिशावर वाले, नमाज पढ़ लीजिएगा, मुझे पता है मैं भी बेसिकली बन्नू का रहने वाला हूँ, ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा जो है ना वो सन होती है, ठीक है, आप नमाज पढ़ लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो यानी कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, द कलेक्टिव नाउन इट रेफर्स टू ग्रुप्स ऑफ पीपल आते हैं, यानी कलेक्टिव किसे कहते हैं, मजमुआ, ग्रुप को कहते हैं, कलेक्टिव किसे कहते हैं, ग्रुप को, यानी कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो चीजों को ग्रुप में शो करता है, यानी द थिंग्स आई मीन विच आर इन द ग्रुप, और पूरी ग्रुप को हम एक ही नाम देते हैं, द नाउन विच शोज द ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा क्राउड, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल क्राउड की बात करते हैं, क्राउड किसे कहते हैं, मजमा, बहुत सारे लोगों के मजमे को हम क्या कहते हैं, क्राउड कहते हैं, क्या। अब देखिए इन द क्राउड यू सी देयर आर सो मेनी पीपल, यंग भी होते हैं, ओल्ड भी होते हैं, लेडीज जेंट्स, समझ आ गए बच्चे, हर इंसान का अपना नाम होता है, बट ये सिंपली से, ये सिंपली से क्या है, क्राउड है, क्लियर हो गया बात, ठीक है। सो क्राउड इज व्हाट, इट्स ए कलेक्टिव नाउन बिकॉज ये ग्रुप को शो करता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ शो करता है, ये ऑडियंस की बात करते हैं, यू सी इन द ऑडियंस देयर सो मेनी पीपल, यार ऑडियंस में तो हजारों लोग होते हैं, हर एक का अपना नाम भी होता है, क्लियर, बट वी सिंपली से ऑडियंस है, समझ आ गया, ठीक है, यानी इट मीन्स कि ऑडियंस क्या है, ए कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली फैमिली, फैमिली किसे कहते हैं, फैमिली किसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैमिली इज आई मीन फैमिली किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल है, इन द फैमिली यू सी द फादर, द मदर, द हस्बैंड, द वाइफ, द चिल्ड्रन, द ब्रदर एंड द सिस्टर, क्लियर, बट वी नॉर्मली से फैमिली, हम इसको सिर्फ फैमिली के नाम से पुकारते होते हैं, क्लियर। द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज अ कलेक्टिव नाउन, ऑल्दो यू सी इन द गवर्नमेंट देर आर सो मेनी पीपल वर्किंग टूगेदर, टीम, इन द टीम यू सी देर आर 11 प्लेयर्स, मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन हम फिर भी इसको टीम कहते हैं, हम कभी उसको नाम नहीं लेते। ज्यूरी, अगर आप देखते हो, ज्यूरी इज अ ग्रुप ऑफ जजेस, आर्मी इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल, पुलिस इट्स अ ग्रुप ऑफ द पीपल, लेकिन स्टिल हम क्या कहते हैं, हम उसको हमेशा आई मीन ग्रुप की सूरत में लेते हैं, हम अलग अलग नहीं लेते हैं, आगे आपको बात समझ। सो दैट इज वाई द कलेक्टिव नाउन इज दैट नाउन व्हिच शोज द ग्रुप ऑफ द थिंग्स, जो ग्रुप को शो कर, क्लियर। द कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्लियर। मैं एग्जांपल यहाँ पर एक दो लिख लेता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये इजी शॉर्टकट लिख लेता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख लेता हूँ, क्लियर। फॉर एग्जांपल लिखिएगा द क्राउड, क्लियर, द क्राउड इज शाउटिंग, द क्राउड इज शाउटिंग, क्लियर। अब देखिएगा क्राउड जो है ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लेकिन मैंने इसको हमें आई मीन इसके साथ मैंने सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर लिया, समझ आ गया, ठीक है। द गवर्नमेंट, क्लियर, शॉर्ट लफ्ज लिख लेता हूं, द गवर्नमेंट इज गिविंग गिविंग डिसीजन, द गवर्नमेंट इज गिविंग डिसीजन, गवर्नमेंट डिसीजन दे रही है, मैंने इसको सिंगुलर यूज कर लिया, क्लियर हो गया आपको, ठीक है। द टीम इज प्लेइंग, टीम खेल रही है, समझ आ गया। सो यू सी कि सिंगुलर यानी कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा याद रखना, क्योंकि आपकी जो एग्जामिनर है, आपके जो एग्जामिनर जब भी वो पेपर बनाते हैं, वो सिंगुलर नाउन को सेंटेंस में यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन को सेंटेंस में यूज करेंगे, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, और उसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हम हमेशा ये समझते होते हैं कि जब भी आई मीन बहुत सारी चीजें होती है तो वो प्लूरल कहलाती है,
जमा जिसको आप ओरिजिनल में कहते हैं, क्लियर। तो उसके साथ जो है ना हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल होगा, ऐसी बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आई मीन कलेक्टिव नाउन जो है इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर होता है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक। और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या इस्तेमाल होगा? सिंगुलर इस्तेमाल होगा। यहां तक आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। अनदर वन इज देयर, अनदर वन दैट इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, that is called the abstract noun. मैंने आपको भाव बताया ना कि देखिए noun is not only the name of the things, it is not only the name of the place of the person, it also shows I mean the state of things, state of I mean state of persons, यानी लोगों के state को भी बताता है, कौन किस हालत में है, ये आपको वो भी बता देता है, and that is called the abstract noun. क्लियर। यानी नाउन जो है वो आपको स्टेट ऑफ द थिंग्स बताता है, यानी आमिन किसी चीज की हालत भी बताता होता है। हमेशा याद रखना, मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नाउन है जिनको ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं, समझ आ गए? आई मीन द नाउन विच कैन नाइदर बी सीन नॉट टच बट वी कैन फील देम। कुछ ऐसे नाउन है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो हम टच कर सकते हैं, उनको हम क्या आई मीन वी कैन फील देम, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। सच नाउन्स डू नॉट हैव फिजिकल शेप, इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है, जब हम उसको देख ही नहीं सकते हैं तो डेफिनेटली टच भी नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज उनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। सच नाउन्स शो द क्वालिटी स्टेट एंड एक्शन ऑफ ए पर्सन, ऐसे नाउन जो होते हैं वो किसी भी शख्स की क्वालिटी को, उसकी स्टेट को और उसके एक्शन को जाहिर करते होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड इट टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये भी सिंगुलर होते हैं। मैं एग्जांपल आपको मजीद दूंगा। फिर यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन है? द एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर दोज नाउन व्हिच यू कैन नाइदर सी नॉर टच बट यू कैन फील देम, ऐसे नाउन जिसको ना तो आप देख सकते हो और ना ही आप टच कर सकते हो, आप सिर्फ उनको फील कर सकते हो, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, उनको सिर्फ फील कर सकते हो। अरे आप बात समझ में? सच नाउन्स डू नॉट हैव द फिजिकल शेप, ऐसे नाउन के कोई फिजिकल शेप नहीं होते हैं, क्लियर। दे शो द क्वालिटी स्टेट एंड एक्शन ऑफ ए पर्सन, वो किसी भी शख्स की या तो क्वालिटी के बारे में बात करेंगे या स्टेट के बारे में बात करेंगे या उसके एक्शन के बारे में बात करेंगे। It is always singular, ये हमेशा singular होता है, and it takes the singular helping verb, ये भी कभी plural इस्तेमाल नहीं होंगे, हमेशा singular इस्तेमाल। Clear? An abstract noun is a noun which refers, अब ये हम ऐसा क्यों कहते हैं? For example देखिएगा, such noun always refers to ideas, या तो ये किसी idea की बात करते हैं, आप किसी की idea को देख नहीं सकते हो, क्वालिटीज को देख नहीं सकते हो, कंडीशन ऑफ द थिंग्स किसी चीज की हालत को देख नहीं सकते हो, एंड कैन नॉट बी सीन अ टच एंड थिंग्स व्हिच हैव नो फिजिकल रियलिटी, ऐसे नाउन की कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है। अभी आप देखिएगा, एग्जांपल देखिए, मसलन ट्रुथ, ट्रुथ क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये भी नाउन है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है, आप सच्चाई देख नहीं सकते हो, सच्चाई को महसूस तो किया जा सकता है, सच्चाई को फील तो किया जा सकता है, लेकिन आप इसको देख नहीं सकते हो। सिमिलरली डेंजर यानी खतरा, क्लियर, यू कैन नॉट सी द डेंजर, यू फील इट ओनली। हैप्पीनेस, यू कैन नॉट सी द हैप्पीनेस, क्लियर, इंसान अपनी खुशी देख नहीं सकता है, इसे महसूस कर सकते हैं, बिकॉज इन चीजों की कोई फिजिकल शेप नहीं है। टाइम को आप देख नहीं सकते हो, ये सिर्फ आपको फील कर रहे हो। फ्रेंडशिप को आप देख नहीं सकते हो, क्लियर, ह्यूमर किसे कहते हैं? मजाक, क्लियर, आप इन चीजों को देख नहीं सकते हो, यू कैन फील देम ओनली, ये सिर्फ महसूस करने वाली चीजें हैं बट यू कैन नॉट सी देम। सो दैट इज व्हाई इस किस्म के नाउन को हम क्या कहते हैं? इस किस्म के नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मोर एग्जांपल है, लिबर्टी है, आजादी, क्या आप किसी की लिबर्टी देख सकते हो? कभी भी नहीं हो सकता। एंगर, किसी का गुस्सा देख सकते हो? ये हम फील करते हैं, क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है। फ्रीडम हम नहीं देख सकते होते हैं, स्लेवरी हम नहीं देख सकते, लव, जेनरसिटी, चैरिटी एंड डेमोक्रेसी, ये सारी चीजें ऐसी है फॉर एग्जांपल जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हम इनको देख नहीं सकते हैं, बिकॉज इन चीजों की कोई फिजिकल शेप नहीं है, इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। सो दैट इज द रीजन यू कैन से दैट द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स व्हिच यू कैन नाइदर सी नॉर टच बट यू कैन फील देम, ऐसे नाउन है जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते।
ठीक है। सो ऐसे नाउन जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उन मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, यानी ऐसे नाउन जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको देख नहीं सकते हो, यू कैन फील देम ओनली। फॉर एग्जांपल अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मतलब आइडियाज की बात करते हैं, क्वालिटीज की बात करते हो, क्लियर, ट्रुथ, डेंजर, हैप्पीनेस, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमन की बात करते हो, दीज आर द नाउन्स which you cannot know. This, I mean liberty. सर आवाज नहीं आ रही आपकी, हमें भी नहीं आ रही सर, किसी को भी नहीं आ रही, ज्यादा सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। किसी को आवाज आ रही है सर की? नहीं यार, आई थिंक सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में सर। मैं अभी तो पहली क्लास थी, नहीं आ रही आवाज। नहीं हमारी आवाज भाई, ओके सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है, अब देखिएगा जरा दोबारा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अबाउट आई मीन, ठीक है, मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, ठीक है, यानी आप ये डिटेल बताइए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं। ये वो नाउन होते हैं, क्लियर, जो दोज नाउन
which you can neither see nor touch, but you can feel it. ये वो नॉन है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हैं. क्लियर? मैंने आपको क्वालिटी और स्टेट और एक्शन की बात बताई. ये किसी चीज की स्टेट या क्वालिटी या एक्शन तो बताते हैं. समझ आ गया आपको बात? ठीक है. या फॉर एग्जांपल यू कैन से कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको आइडियाज बताते हैं, आपको क्वालिटीज के बारे में बताते हैं. क्लियर? बट यू कैन नॉट सी देम. फॉर एग्जांपल मैंने इतने देर से एग्जांपल आपको दे दिए. ट्रुथ है, डेंजर है, हैप्पीनेस है, टाइम है, फ्रेंडशिप एंड ह्यूमर. ये ऐसे नाउन है जो आप नहीं देख सकते. या फॉर एग्जाम्पल लिबर्टी है, एंगर है, फ्रीडम है, स्लेवरी है, लव, जनरसिटी, चैरिटी एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी ये सारे ऐसे है, ठीक है, जिनको आप क्या कर सकते हो? विच यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट टच देम, बट यू कैन फील देम ओनली. क्लियर? हमेशा याद रखना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये भी हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है. इसके साथ भी हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है. क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है. सो दैट इज द रीजन कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख नहीं सकते. सो मैनी एग्जाम्पल याद है. देखें ये मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बहुत सारे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ह्यूमन क्वालिटीज की बात करते हो या करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हो, आप किसी की ब्यूटी को नहीं देख सकते हो. ब्रेवरी, ब्रिलियंस, ब्रुटैलिटी, जुल्म, कॉमनेस, चैरिटी, कोल्डनेस, कंपैशन, कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट, करेज, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन एक्सेट्रा. देखो इतने ढेर सारे एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए. दिस वी कैनॉट सी. आप किसी की विजडम को नहीं देख सकते हो, किसी की विट, अकल को नहीं देख सकते हो. क्लियर हो गया एक बात? ठीक है. यानी इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हो, मसलन फॉर एग्जाम्पल आई मीन फीलिंग्स एंड इमोशंस है, एडोरेशन है, अमेजमेंट है, एंगर, एंजाइटी, अप्रिहेंशन, क्लैरिटी, डिलाइट, एक्सेट्रा, सारे ऐसी ह्यूमन फीलिंग्स है जिनको हम देख नहीं सकते. क्लियर? आप एक दफा प्लीज इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम आगे स्लाइड की तरफ जाते हैं. प्लीज एक दफा रिवाइज कीजिएगा. जी प्लीज, जब आप एक दफा पढ़ लेते हो ना तो मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह. ले लें, मैंने आपको नोट्स भेज देने हैं. यू नीड नॉट टू वरी. आप रीड आउट कर ले, बेशक आप ले लें, आप जो चाहते हो. मैंने अभी आपके साथ शेयर करने हैं. ठीक है, परेशान ना हो. जी सर, काइंडली आफ्टर क्लास नोट हमें लाजमी शेयर कीजिएगा. जरूर जरूर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा. ठीक है. जी पढ़ लिए, थोड़े से और एग्जांपल ये भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जरूरी बात है. एग्जांपल भी पढ़ लीजिएगा प्लीज. ठीक है, इसके बाद जो है ना हम एक और टॉपिक पे जाते हैं इंशाल्लाह. बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है. ठीक है, अब देखिएगा, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट, एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और है भी इंतहाई आसान है. हम इसको नाउन केस कहते हैं. वी कॉल इट द नाउन केस. क्लियर? लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. क्लियर? The structure of a sentence, हर sentence में तीन basic चीजें होती है. Subject है, verb है and object है.
Clear? There are three basic things in every sentence. One is the subject, second one is the verb, the third one is the object. Yes? So if you see these examples, for example, Salim beats Jawad. Yes? Salim is the subject. It is a noun. Salim is a name. Beats is the verb. Jawad is an object, but it is also a noun. Yes? The boy lifts a stone. The boy, it is a subject, but boy is a noun. Lifts is a verb. Stone is an object, but it is a noun. Yes? Agar aap is pehle sentence ko dekhte ho, Salim beats Jawad. Salim Jawad ko maarta hai. Subject may be noun hai, Salim. Object may be noun hai, Jawad. Yes? Salim in sentence one, the boy in sentence two are used as the subject of the verbs beats and lifts. Clear? Is pehle sentence mein Salim, dusre sentence mein the boy. Ye dono noun hai aur sentence mein subject ke taur par istemal hua hai. Sentence mein kahan istemal hua hai? Subject ki jagah par istemal hua hai. Lihaza as a noun, the nouns which are used as a subject. कोई भी ऐसा नाउन जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं या उसको हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं. क्लियर हो गया आपको बात? यानी व्हेन द नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव सेंटेंस. फिर हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं. अगर किसी भी सेंटेंस में कोई नाउन जो है सब्जेक्ट की जगह पर इस्तेमाल हो जाए तो हम उस नाउन को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं या उसको सब्जेक्टिव केस कहते हैं. समझ आ रही है आपको? ये आपको बात ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिएगा, द स्नेक. क्लियर हो गया आपको बात? देखिए, द स्नेक बाइट्स. क्लियर? द Clear? The snake beats the child. अभी आप देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ये कहते हैं एक नाउन है, the child जो है ये भी नाउन है. सेंटेंस में नाउन है तो हम इसको नॉमिनेट. यार आमिर भाई अपना माइक म्यूट कर दो यार. ठीक है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है. सो अगर किसी भी सेंटेंस में, क्लियर, किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो जाए, जिस तरह यहाँ पर स्नेक, स्नेक तो नाउन है, क्लियर है, तो ये देखिए स्नेक जो है ये क्या है, हम इसे क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे. हम इसे क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं. बात क्लियर हो गई है? समझ आ गया? क्लियर? यस. अनदर सेंटेंस, अगर हम एक और सेंटेंस की बात करते हैं, अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल The birds fly in the air. ये कुछ और example है. Clear? अब देखिएगा, the birds. Birds क्या है? ये noun है कि नहीं है? The baby cries. Baby क्या है? Noun है कि नहीं है? The sun gives light. यानी सूरज जो है रोशनी देता है. Sun क्या है? Noun है कि नहीं है? The mother cooks. माँ पकाती है. माँ noun है कि नहीं है? Clear? इसके बाद कहते हैं, for example, the cow gives milk. गाय दूध देती है. The cow is a name. The water flows. Water क्या है? Noun है कि नहीं है? तो इन तमाम तर nouns को आप देखते हो, मैंने red color में कर दिए हुए हैं, ये sentence में subject के तौर पर इस्तेमाल हुए. सेंटेंस में कहां इस्तेमाल हुए, सब्जेक्ट के तौर पर. सो व्हेनेवर एनी नाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, व्हेन द नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस. फिर हम इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं. जब भी कोई नाउन जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, हम उस नाउन को नॉमिनेटिव केस कहते हैं. फिर हम इस नाउन को क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव केस कहेंगे. क्लियर हो गई जी? एक दफा रिवाइज कीजिएगा फिर हम आगे जाते हैं.
आवाज आ रही है। जी आगे जाऊं प्लीज। यस सर। ओके प्लीज। Another thing, there is another thing, ठीक है, that is called, I mean, हम इसको अभी देखते हैं क्या कहेंगे, look at these example, अगर इस example, इन examples को देखते हो, ठीक है, look at these examples, the structure of a sentence क्या है, हर sentence में subject होता है, verb होता है और object होता है, यही बात है, अगर मैं कहता हूँ, for example, Ajmal breaks the window, yes, Ajmal नाम है, इट्स ए नाउन, सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, लेकिन ऑब्जेक्ट में विंडो, विंडो इज आल्सो द नेम, विंडो इज आल्सो द नाउन, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है यहाँ पर, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट, क्लियर, द स्टूडेंट इज द नाउन, क्लियर, बट इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, सलीम बीट्स जवाद, क्लियर, जवाद इज ए नाउन but it is used as an object in this sentence. The boy lifts a stone. Stone is a noun, but it is used as an object in this sentence. Therefore, you can say window in sentence one, students in sentence two are used as objects of a sentence. A sentence mein kahan par istemal hue, object ke taur par istemal hue hain. So therefore, when the noun is used as an object of a sentence, जब भी किसी नाउन को आप ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हो तो हम उस नाउन को फिर क्या कहते हैं, हम उसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्यूजेटिव केस। मेरी बात समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, अगर कोई नाउन जो है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए, क्या इस्तेमाल हो जाए, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाता है तो फिर हम उस नाउन को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ रही है आपको, क्लियर हो रही है, ठीक है, मोर एग्जांपल्स, अगर हम इसको मजीद एग्जांपल देते हैं, मसलन देखिएगा, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूं, क्लियर, वाटर क्या है, इट इज अ नाउन और यहां पर ये ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, क्लियर, माई फादर अर्न्स, द फादर अर्न्स मनी फॉर हिज चिल्ड्रन, अब देखिएगा फॉर, इसको छोड़ दो ताकि ये, मैं इसको पहले स्कॉट देता हूं ताकि ये मुश्किल आपके लिए आसान हो जाए, ठीक है, देखिएगा, द फादर अर्न्स मनी, बाप पैसे कमाता है, मनी क्या है, फॉर एग्जाम्पल मनी जो है ये क्या है, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, द टीचर टीच इंग्लिश, ये देखो इंग्लिश क्या है, नाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, द स्टूडेंट्स लर्न्स इंग्लिश एट होम, क्लियर, यानी स्टूडेंट जो है वो घर में इंग्लिश सीखते हैं, समझ आ रही है आपको बात, ठीक है, तो अब देखिएगा इंग्लिश क्या है, ये नाउन है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एनिमल्स ईट ग्रास, एनिमल ग्रास कहते हैं, ग्रास क्या है, इट्स ए नाउन जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, द मैन बॉयज थिंग्स इन द मार्केट, ये जो है ना, मैं ऑब्जेक्ट पहले ये फ्रेजेस हटा देता हूँ, ठीक है, यानी द मैन बॉयज थिंग्स, आदमी चीजें खरीदता है, थिंग्स क्या है, ये नाउन है जो कि ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जब भी कोई नाउन जो है किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो उस नाउन को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, उसको हम एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं, आपको बात समझ आ रही है, क्लियर हो गई, जबकि इससे पहले हमने पढ़ लिया कि जब भी कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, हम इसे फिर क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं, यस, क्लियर हो रही है आपको बात, ठीक है, एक दफा फिर एक दफा पढ़ लीजिएगा प्लीज। Yes, sir, read it, sir.
समझ आ गया आप लोग? यस क्लियर हो गया? यानी नाउन केस आपने पढ़ लिया, एक को नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी नॉमिनेटिव केस कौन से होते हैं कि जब भी कोई नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इस्तेमाल हो जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। आप इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, क्लियर है? लेकिन इसके मुकाबले में आपने इन एग्जाम्पल्स को देख लिया कि जब भी कोई नाउन जो है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल हो, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं या एक्विजिटिव केस कहते हैं। बात समझ आ गई? अब देखिएगा, देयर इज अनदर केस ऑफ ए नाउन, एक और भी केस है, ठीक है? मैंने सबको अलग अलग स्लाइड में रखा हुआ है। देयर इज अनदर केस ऑफ ए नाउन, यानी नाउन के तीन केसेस है, एक नॉमिनेटिव केस, एक है ऑब्जेक्टिव केस, और थर्ड वन जो है वो जेनेटिव केस कहते हैं या पोजेसिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ दिस इज हमीद्स ड्रेस, ये एग्जाम्पल नंबर वन है, दिस इज हमीद्स ड्रेस। इस सेंटेंस में देखिएगा, हमीद एक नाउन है, हमीद इज अ नाउन, लेकिन इसके साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया है, अपोस्ट्रोफी, जो मैंने रेड कलर में कर दिया, कॉमा और एस, क्लियर? दिस इज माय फादर्स कार, दिस इज माय फादर्स कार। अब देखिएगा, ये देखिएगा, फादर इज अ नाउन, लेकिन इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस मैंने इस्तेमाल किया। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, दैट इज हॉर्स स्टेबल, That is a horse stable, यानी horse क्या है, इट्स ए नाउन, समझ आ गया? और इसके साथ मैंने apostrophe s इस्तेमाल किया रेड कलर में। सो ये देखिएगा, ये जो रेड कलर में आपको s नजर आ रहे हैं, जो रेड कलर में आपको s नजर आ रहे हैं, क्लियरली क्या शो कर रहा है, द फॉर्म ऑफ द नाउन हमीद फादर एंड हॉर्स और चेंज टू हमीद फादर्स एंड हॉर्स टू शो पोजेशन और ऑनरशिप। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑनरशिप को शो करने के लिए, पोजेशन को शो करने के लिए, मिल्कियत को शो करने के लिए। समझ आ गया आपको बात? ठीक है, सो इट इज कॉल्ड द पोजेसिव और जेनेटिव केस। हम इसे क्या कहते हैं, हम इसको पोजेसिव कहते हैं या हम इसको जेनेटिव केस कहते हैं। आपको बात समझ आ गई, क्लियर हो गई बात? समझ आ रही है आपको? ठीक है, यानी फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कहता हूँ दिस इज हमीद्स ड्रेस, यानी ये हमीद का ड्रेस है, क्लियर? यहाँ पर मैं मिल्कियत शो कर रहा हूँ, दिस इज माई फादर्स कार, ये मेरे अब्बू की गाड़ी है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, दिस इज हॉर्सेस स्टेबल, ये घोड़ों का स्टेबल है, क्लियर? सो इन सच ए सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात सुन लीजिएगा कि जब भी फॉर एग्जाम्पल जब भी किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो वो क्या शो करेगा, पोजेशन करेगा, पोजेशन, या हम इसको जेनेटिव नाउन कहते हैं, क्लियर हो गया? इसको आप पोजेसिव केस भी कह सकते हैं और जेनेटिव केस भी कह सकते हैं। थोड़ी बहुत समझ आ गए? यानी हमने तीन किस्म के केसेस पढ़ लिए, क्लियर? यानी हमने तीन केसेस पढ़ लिए, नंबर वन इज दी फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक बीच में ले आता हूं ताकि ये केसेस आपके लिए एक जगह हो, क्लियर? अब देखिएगा, यानी ये दो केसेस एक साथ हो गए, फॉर एग्जांपल एक है नॉमिनेटिव केस है और एक है ऑब्जेक्टिव केस है और एक है जेनेटिव केस, क्लियर हो गया? जेनेटिव केस क्या है, जेनेटिव केस आई मीन फॉर एग्जांपल जो पोजेशन शो करता है, जो ऑनरशिप को शो करता है, उसको पोजेसिव केस भी कह सकते हैं या जेनेटिव केस भी कह सकते हैं। आ रही है आपको बात समझ में, क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है, आप प्लीज इनको एक दफा पढ़ लीजिएगा, तब हम जाते हैं किसी और पेज की तरफ। एक मिनट, मैं इसको एक पेज पे करता हूं ताकि तुम्हारे लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए, क्लियर? तो ये कंप्यूटर वाला मसला बड़े तकलीफ होते हैं। ताकि बिल्कुल एक ही लाइन पे आ जाए फिर तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान सा हो जाएगा। ठीक है, आप पढ़ सकोगे? जी प्लीज, आप साथ साथ पढ़ते जाइएगा, मैं एक लाइन पे कर रहा हूँ, क्लियर? यस, अब ये जेनेटिव केस और ये एक ही लाइन पे हो गया, आप प्लीज एक दफा पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम
एक और टॉपिक की तरफ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहे हैं इंशाल्लाह। किसी नाम की टाइप्स है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ सारे टेंसेस सब कुछ पढ़ाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना ले यार। ग्रामर जो है ना मैं आपको मुकम्मल पढ़ाऊंगा, जो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है वो भी पढ़ा लूंगा, क्योंकि हो सकते हैं तुम्हें अपने घर में बच्चों को चाहिए होता है क्या, ठीक है, ये आपकी उम्र जो है ना हमें फॉरएवर आपको चाहिए होगा, ठीक है, सब बिल्कुल टेंशन ना ले। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा जरा, ठीक है, अब देखिए जरा The formation of the genitive case. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ क्योंकि ये ज्यादा है, ताकि एक पेज पे हो हम लोग बार बार दूना जान पड़ जाए। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस, ये जो आपने पढ़ लिया ना पोजेसिव केस, क्लियर है, जिसको पॉस्टफ्लेस कहते हैं, जो किस चीज को शो करते हैं, पोजेशन को शो करते हैं, मतलब यह है, मेरी बात सुन लीजिएगा कि कहां पर हम एपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं, कहां पर हम एपोस्ट्रोफीस लगा सकते हैं, हर जगह नहीं लगा सकते हैं, समझ आ गया बात चीज़, क्योंकि एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ठीक है, एग्जामिनर जरूर एक यहां से आपको पॉइंट देगा कि पोजेसिव केस ये जो ओनरशिप को शो करते हैं हम कहां इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पोजेसिव केस का मतलब क्या है, पोस्ट ऑफ एस लगाना, कॉमा लगाना और एस लगाना, क्लियर। व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग एस टू द नाउन, तो हम कैसे पोजेसिव केस बनाएंगे, हम कैसे पोजेसिव केस जो है ना हम बना सकेंगे, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, कोई नाउन क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हम कैसे पोजेसिव केस लगाएंगे, हम उसके साथ जो है फॉर एग्जाम्पल एपोस्ट्रोफी पूरा लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज बुक, यहाँ पर देखो द बॉय, ये प्लीज सर आपकी आवाज में बहुत सारी बेस आ रही है, लाउड जो ना वॉइस आ रही है आपकी, समझ नहीं आ रहा कुछ, ये एक मिनट यार बाहर शोर हो रहा है, मैं उसको बंद करवा रहा था, खैर जस्ट कॉमा भी लगा लिया, एस भी लगा लिया, द किंग्स क्राउन, अब देखिएगा द किंग्स क्राउन, देखिए बात किंग सिंगुलर है, इसके साथ मैंने एपोस्ट्रोफी एस पूरा लगा लिया, यानी कॉमा भी लगा लिया, एस भी लगा लिया, द गर्ल्स क्राउन, क्लियर, यहाँ पर गर्ल जो है सिंगुलर है, तो इसके साथ मैंने पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगा लिया, आपको वहां समझ आ रही है, यहाँ पर एग्जामिनर हर सूरत में आपको जो है क्या देगा, यानी हर सूरत में एग्जामिनर यहाँ एक क्वेश्चन आपको देगा, क्लियर, लेकिन याद रखना फॉर्मूला क्या है, व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर हो तब जाकर एपोस्ट्रोफीस आप मुकम्मल लगा सकते हो, यानी आप कॉमा भी लगा सकते हो और आप एस भी लगा सकते हो, मसलन द बॉयज बुक, द किंग्स क्राउन, द गर्ल्स क्राउन, आगे आपको बात समझते, रूल नंबर टू क्या कहता है, द लेटर एस इज ओमिटेड, यानी रिमूव्ड, समझ आ गया, यानी द लेटर एस इज ओमिटेड
यानी एस नहीं लगाया जाता व्हेन द नाउन इज प्रोड्यूसिंग द हिसिंग साउंड। अगर कोई नाउन हिसिंग साउंड दे रहा है यानी डबल एस की आवाज आ रही है, किसकी आवाज आ रही है, डबल एस, तो ऐसी सूरत हाल में आप एस नहीं लगाओगे, सिर्फ कॉमा लगाना पड़ता है। याद रखना कि जब फॉर एग्जाम्पल आमीन कोई हिसिंग साउंड आ जाए, क्या आ जाए, कोई हिसिंग साउंड वाली बात आ जाए, ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में आमीन हम अपोस्ट्रोफी तो लगाएंगे, खोमा तो लगाएंगे, लेकिन एस नहीं लगाएंगे। फॉर गुडनेस से यहां पर भी हिसिंग साउंड है, फॉर गुडनेस, समझ आ गया कुआ, ठीक है। सो ऐसी सूरत हाल में भी हम क्या लगाएंगे, सिर्फ कॉमा लगाएंगे। फॉर जस्टिस सेक, अब देखिएगा फॉर जस्टिस सेक, आप हम सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाया हुआ है और एस नहीं लगाया हुआ है, बात क्लियर हुई है, समझ आ रही है। एग्जाम में जरूर आपको यहां से क्वेश्चन देगा, मैं आपको बताऊं, बिकॉज हम अपोस्ट्रोफी हमेशा पूरा इस्तेमाल करते होते हैं, हम इस चीज के आदि हो चुके होते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई नाउंस अगर सिंगुलर भी है लेकिन वो हिसिंग साउंड दे रहे हैं, यानी आखिर में उसकी आवाज या एस पे खत्म हो रही है, ऐसी सूरत हाल में आप सिर्फ कॉमा अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हो, एस उसके साथ इस्तेमाल नहीं करते हो, जिससे मैंने एग्जांपल दिए हुए। द थर्ड पॉइंट इज व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स इन एस, द पोजेसिव केस इज फॉर्म बाय एडिंग कॉमा अपोस्ट्रोफी ओनली। अगर कोई नाउन जो है फॉर एग्जाम्पल प्लूरल है, तो नाउन क्या है, प्लूरल है, और आपने प्लूरल कैसे बनाया हुआ है, उसको एस के जरिए प्लूरल बनाया हुआ है, जिस तरह हम नाउन सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं, हम उसके साथ क्या लगा लेते हैं, एस लगा लेते हैं। ऐसी सूरत हाल में बी आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हो, दोबारा एस नहीं लगाते, फॉर एग्जाम्पल बॉयज, अब मैंने इसके ऊपर सिर्फ जो है अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल किया हुआ है, दोबारा एस लगाया नहीं, मसलन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ बॉयज, ये भी जो है ना फॉर एग्जाम्पल हिसिंग साउंड दे रहा है, या द गर्ल्स स्कूल, अब देखिए गर्ल्स, गर्ल्स जो है ऑलरेडी प्लूरल है, क्लियर है, तो हिसिंग साउंड दे रहा है, सो मैं फॉर एग्जाम्पल मैं गर्ल्स नहीं कह सकता, गर्ल्स नहीं कह सकता होता, क्लियर हो गया आपके बात, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल देखिएगा द हॉर्स असिस्ट स्टेप इन स्टेप, तो दैट इज व्हाई हमेशा याद रखना कि जब भी कोई नाउन प्लूरल हो और हमने उसको कैसे प्लूरल बनाया हुआ है, एस के जरिए प्लूरल बनाया हुआ है, ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। नंबर फोर्थ वन इज देयर, मैं आप सबके जो है ना क्वेश्चन पढ़ता हूं, पहले एक दफा पढ़ लेते हैं, ठीक है, नाउन इज प्लूरल बट नॉट, लेकिन आपने उसको एस के जरिए प्लूरल नहीं बनाया हुआ है, फिर आपको पूरा अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिएगा दिस इज मैन्स प्लेस, अब देखो मैन इसका सिंगुलर क्या है, मैन, एम ए एन, लेकिन आप प्लूरल एम ई एन जो है ये प्लूरल है, इसी सूरत हाल में यहां पर आप अपोस्ट्रोफी यस पूरे इस्तेमाल करते हैं। द वुमेन्स हाउस, यस डब्ल्यू ओ एम ई एन, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर डब्ल्यू ओ एम ए एन है। क्लियर, माय टीथ क्राउन, समझ आ गया आपको, ठीक है। सो यहां पर देखिएगा माय टीथ, टीथ जो है ना ये प्लूरल है, टूथ एक जो होता है वो सिंगुलर होता है, समझ आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं योर फीट, समझ आ रही है आपको, ठीक है, योर फीट शूज, क्लियर, योर फीट शूज, अगर मैं कहता हूं यानी आपके पांव के जूते, क्लियर हो गया आपको। यहां पर आप देखिएगा फॉर एग्जाम्पल फीट, फीट बेसिकली क्या है, ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर होता है फूट होता है, क्लियर। सो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई ऐसे आमीन आपने प्लूरल बनाया हो, ऐसे प्लूरल जो एस के जरिए प्लूरल ना हो, क्लियर, ऐसी सूरत हाल में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पूरा अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं, बात समझ आ रही है, क्लियर हो गई आपको, ठीक है। इन अदर वन देखिएगा, नंबर फिफ्थ रूल को देखिएगा, व्हेन द नाउन अ टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ब,
possessive signs attached here with the lost word. For example, simple example आप ये देखिएगा कि अगर कोई noun ऐसा है जो दो लफ्जों पर मुश्तमल है, clear? So जो आखिरी लफ्ज होता है, जो आखिरी जो main लफ्ज होता है, जो main noun होता है, जो उनके साथ हम इस लगाते हैं. For example, the Prime Minister of Pakistan is coming. अब देखो Prime Minister भी noun है, Pakistan भी noun है. लेकिन उनमें से मेजर नाम क्या है? पाकिस्तान जो है ना वो है यहाँ पर नाम है, क्लियर. फॉर एग्जाम्पल द कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी, क्लियर हो गया. ठीक है, सो ये रूल्स है, आई मीन द फॉर्मेशन ऑफ द पोजेसिव केस. किसी भी पोजेसिव केस को बनाने के लिए हम कब, यानी इसका मतलब ये है कि हम कब जो है ना पोजेसिव केस बना सकते हैं या हम कब जो है एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल कर सकते हैं. बात समझ आ गई आपको? आप प्लीज इसको रिपीट कीजिएगा दो दफा तीन दफा, समझ रहे हैं? उनसे दोबारा प्लीज पूछ लीजिएगा. Kindly tell us point number four again, please. Okay, okay, yes, please. Look there. If point number four, when the noun is plural, but not any s, it means that you have made any similar noun plural, but not adding s. जिस तरह हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो हम उसके आखिर में क्या बनाते हैं, लगाते हैं एस लगाकर प्लूरल बना लेते हैं. लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको प्लूरल बनाते हुए हम एस इस्तेमाल नहीं करते, जिनको प्लूरल बनाते हुए हम एस इस्तेमाल नहीं करते बल्कि कोई और मेथड है. मतलब देखिएगा, दिस इज मैन, दिस इज मैन्स प्लेस. अब देखिएगा, मैन जो है एम ए एन सिंगुलर होता है, लेकिन एम ई एन मैन ये बहुत ज्यादा आदमी है. ऐसे सूरत-ए-हाल में हम इसके साथ क्या लगा लेते हैं, पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, यानी एस भी लगा लेते हैं और एपोस्ट्रोफी. दिस इज वुमेन्स हाउस, दिस इज वुमेन्स हाउस, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अब देखिएगा, वुमेन ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, वुमेन, डब्ल्यू ओ एम ए एन. तो ऐसे अब देखिएगा, इसके आखिर में एस नहीं आ रहा है, सो इस वजह से हमने पूरा एपोस्ट्रोफी लगाया हुआ. माय फीट्स क्राउन, योर फीट शूज. बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, सो आई मीन ऐसे सूरत हाल में, यानी ऐसे नाउन जिसको हम एस से जो है ना प्लूरल नहीं बनाते हैं बल्कि उनके इनसाइड वॉवल चेंज हो जाते हैं, ऐसे सूरत हाल में हम पूरा एपोस्ट्रोफी एस इस्तेमाल करते हैं. यस, प्लीज रीड आउट कीजिएगा एक दफा, क्लियर. और आई होप ओके, आई होप आपको समझ आ रहे होंगे. ठीक है, अच्छा ये क्या है, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है, चलो ठीक है, इसको से प्लीज रिपीट. पॉइंट नंबर टू, ओके, पॉइंट नंबर टू को दोबारा देख लीजिएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिएगा, पॉइंट नंबर वन से दोबारा देख लीजिएगा. अगर आप कहते हो कि अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर कोई भी सिंगुलर नाउन है, क्लियर, तो उसको प्लूरल या उसको पोजेसिव केस बनाने के लिए हम उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल द बॉयज बुक, हमने पूरा एपोस्ट्रोफी लगा दिया, कॉमा भी लगा लिया, एस भी लगा लिया. द किड्स क्राउन, पूरा एस लगा दिया, द गर्ल्स क्राउन. लेकिन अगर कोई ऐसा नाम है जो हिसिंग साउंड देता है, जो क्या देता है, हिसिंग साउंड का मतलब यह है कि जब हम उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आखिर में एस की आवाज आती है, क्लियर. ऐसी सूरत हाल में हम उसके साथ एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, सिर्फ कॉमा लगा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, फॉर कॉन्शियंस सेक, अब देखो कॉन्शियंस ये नाउन है, आखिर में एस की आवाज आ रही है. गुडनेस, समझ आ गया, ये इसी साउंड दे रहा है. जस्टिस, ये एस की आवाज दे रहा है, इस वजह से हमने सिर्फ कॉमा लगा लिया, एस नहीं लगाया. और एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा, क्योंकि हम नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस जब भी लगाते हैं तो हम जो है आई मीन कॉमा और एस पूरा लगाते होते हैं, लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी मिसिंग साउंड है सो इस वजह से हम इसके साथ सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे. यस, प्लीज एक दफा रिपीट कीजिएगा, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. ठीक है, और अगर ना समझ आए, ठीक है, ओके. अब देखिएगा पॉइंट फाइव को देखिएगा, बाजार कोई नाम जो होता है वो टू नाउन्स पर मुश्तमिल होता है, तो आपने उन दोनों नाउन में ये देखना होता है कि इसमें से मेन नाउन कौन सा है, ओरिजिनल नाउन कौन सा है. मसलन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज कमिंग, अब देखो प्राइम मिनिस्टर भी नाउन है, पाकिस्तान भी नाउन है, लेकिन इन दोनों में मेन ओरिजिनल नाउन कौन सा है, पाकिस्तान ओरिजिनल नाउन है. ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये किसका है, पाकिस्तान का है, क्लियर. तो जो ओरिजिनल नाउन होता है उसके साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है. द कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज लेस,
ठीक है, अमेरिका और पाकिस्तान द ओरिजिनल नाम, समझ आने की बात ठीक है। एक मिनट सदस्य पढ़ो जी। यस प्लीज जी बोलिए प्लीज। और कोई बात पूछनी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। यस ठीक है, रिपीट कीजिएगा भाई। यस प्लीज आगे जाऊं। यस ओके, देखिए जरा द नाउन जेंडर। अब हमने क्या पढ़ना है यार, नाउन जेंडर पढ़ना है ठीक है। मैं ठीक है, यानी द नाउन जेंडर है ठीक है, यानी नाउन जेंडर क्या होता है। यस ये क्या लिखा है, ओके मेहर स्टडीज भी आप पढ़ेंगे वो जो है ना। हाँ मेरे साथ ही है ठीक है, परेशान ना हो यार ठीक है, किसी सुर टेंशन नहीं लेनी। यदि सारी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएगी ना, ऐसी क्लियर क्लियर कि आपको रिमेम्बर ठीक है। राधर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके छोटे बच्चे नहीं आए फिर ओल्ड एनफ यार ठीक है, इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर में साथ बिठा दिया करें, ताकि ये चीजें ये फिफ्थ सिक्स में पढ़ाई जाती है, नाइन टेन तक पढ़ाई जाती है, ताकि अभी समझ आ जाए। CSS का फेल इंग्लिश का पेपर इन चीजों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से लोग फेल होते जा रहे हैं ठीक है। और इसकी नाउन जेंडर, नाउन जेंडर क्या है क्लियर, नाउन जेंडर क्या चीज है ठीक है, बस वो चेक बाद में देखेंगे यार ठीक है। ठीक है, अब तो वॉइस प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, आप अपने सिस्टम को चेक कीजिएगा, बिकॉज मेरी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर साउंड है। आपके अपने जो सिस्टम आप यूज कर रहे हो प्लीज उनको चेक कीजिएगा। नॉन जेंडर क्या चीज है, नॉन जेंडर क्या चीज है क्लियर। देखिए हम इंग्लिश में या तो ही इस्तेमाल करते हैं या शी इस्तेमाल करते हैं, कॉमन सी बात है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए हम ही या शी इस्तेमाल नहीं कर सकते। नॉन जेंडर का मतलब क्या है, टू बी द मेल और द फीमेल वन इज कॉल्ड द नॉन जेंडर क्लियर। मेल होना या फीमेल होना ये क्या कहलाता है, ये नॉन जेंडर कहलाता है। टू बी द मेल और द फीमेल वन इज कॉल्ड नॉन जेंडर, मेल होना या फीमेल होना ये क्या कहलाता है, ये नॉन जेंडर कहलाता है। बहुत आसान है यार ठीक है, बहुत आसान है, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने बनाना है। द टाइप्स ऑफ द नॉन जेंडर, द मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं, द नाउन दैट डिनोट्स द मेल एनिमल इज कॉल्ड द मैस्कुलाइन जेंडर ठीक है। यानी मेल को क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, चाहे वो ह्यूमंस में हो या चाहे एनिमल में हो। फॉर एग्जांपल मैन है, बॉय है, लायन है, हीरो है एटसेट्रा क्लियर। यानी फॉर एग्जांपल किंग है एटसेट्रा, या ये दिस मिनिमम चीज है, ये तो आप आराम से कर सकते हो क्लियर। अनदर वन इज द फेमिनिन जेंडर, अनदर वन इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर क्लियर। फेमिनिन जेंडर, द नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल जेंडर इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल वुमन है, गर्ल है, हीरोइन है ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल क्वीन है क्लियर हो गया ठीक है। सो मेनी आर ठीक है, सो मेनी यू कैन नाउ डन ठीक है। सो द नाउन दैट डिनोट्स द फीमेल जेंडर इज कॉल्ड द फेमिनिन जेंडर। Another one that is the common gender and the neuter gender. ये आपने देखना है, बहुत आसान है। The common gender, the noun that denotes either a male or a female is called a common gender. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं यार जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कॉमन जेंडर कहते हैं। मसलन पेरेंट्स है, अब देखो पेरेंट्स का जो लफ्ज है, the parents, I mean, is consisted of two persons, the father and the mother. लेकिन हम दोनों को पेरेंट्स कहते हैं, समझिए बात ठीक है। चाइल्ड, चाइल्ड बेसिकली मेल और फीमेल दोनों बच्चों को कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी एनी चाइल्ड, अगर आप किसी बच्चे को देखते हो, दूर से देखते हो, एंड यू डू नॉट नो कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, पर हम कहते हैं चाइल्ड है क्लियर। फ्रेंड, एवरी फ्रेंड, चाहे मेल फ्रेंड है फीमेल फ्रेंड है, थीफ चोर स्टूडेंट, हर फ्रेंड को, चाहे मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट है, बेबी
बेबी किसे कहते हैं? इट इज आई मीन द कॉमन जेंडर। आप मेल बेबी को भी बेबी कह सकते हो और फीमेल बेबी को भी बेबी कह सकते हो। निबर पड़ोसी कजन एक्सेट्रा, आई मीन कजन किसे कहते हैं यार? कजन को कहते हैं, आई मीन हम सब चाहे मेल कजन है या फीमेल कजन है। क्लियर? द कॉमन जेंडर इज दैट जेंडर, आई मीन इट इज दैट नाउन, इट इज दैट नेम विच इज यूज फॉर बोथ द मेल एंड द फीमेल। ऐसे अल्फाज जो हम मेल या फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसे क्या कहते हैं? हम इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कॉमन जेंडर। जैसे पेरेंट है, चाइल्ड है, फ्रेंड है, थीफ है, स्ट्रिंग है, बेबी है, नेबर है, कजन है, एटसेट्रा। थोड़ी बहुत समझ आ रही है, होप समझ आ रही है। क्लियर? अनदर वन, व्हाट इज अनदर वन? दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रल जेंडर। देखिए लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होती है जो लाइफलेस होती है, जो बेजान चीज कहलाती है, उनके लिए भी तो हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो वो वर्ड जो हम बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड द न्यूट्रल जेंडर। द वन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल बट द लाइफलेस थिंग्स इज कॉल्ड द न्यूट्रल जेंडर। फॉर एग्जांपल पेन, अब देखो पेन इज लाइफलेस, बुक, रूम, ट्री, एटसेट्रा। क्लियर? इनसे जो चीजें बेजान कहलाती है, ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? उनके लिए हम उन नॉन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। Yes? आगे मत समझ में बात, ठीक है? प्लीज एक दो दफा रिवाइज कीजिएगा, फिर इसके बाद जो है ना हम किसी और की तरफ जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, कोई सी बात जी प्लीज। जब आप पढ़ लेते हो तो प्लीज मुझे जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, कि आपको समझ आ गए, ठीक है? यस, आगे जाऊं प्लीज। ओके, सो आई मीन नॉटी, गुड, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब देखिएगा, दिस इज नाउन नंबर, यार नाउन नंबर होता है ये। देखिए हम सिर्फ नाउन की बात कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? सिर्फ नाउन की बात हो रही है। हालांकि हम नाउन समझते हैं कि नाउन इज इजी, इतना भी आसान नहीं है यार, इतना भी आसान है नहीं है। नाउन नंबर का मतलब क्या है? कि द नाउन में बी सिंगुलर और द प्लूरल वन। नाउन में सिंगुलर होते ही आप प्लूरल होते हैं। क्लियर? कभी सिंगुलर होते हैं हम उनका प्लूरल बना रहे होते हैं, कभी प्लूरल होते हैं तो हम उनका सिंगुलर ढूंढ रहे होते हैं। क्लियर? सो द नाउन में बी अ सिंगुलर और द प्लूरल वन, दोनों से हो सकते हैं। क्लियर? द सिंगुलर नाउन डिनोट्स वन थिंग, इन द प्लूरल नाउन डिनोट्स मोर देन वन थिंग। जो सिंगुलर होता है उसे एक चीज ज्यादा होती है, और जो प्लूरल होते हैं वो एक से ज्यादा चीज, यानी दो या दो से ज्यादा चीज है। हम कैसे किसी नाउन का प्लूरल बनाएंगे? सिंगुलर तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, सिंगुलर तो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, तो किसी नाउन का हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? देयर आर सो मेनी डिफरेंट रूल्स। यहां से एग्जामिनर जरूर आपको क्वेश्चन देगा, बिकॉज वो आपको इन फॉर्मूलाज में, ये जो अभी मैंने लिखे हुए हैं, इनमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमारी आदत ऐसी बनी हुई होती है, हम जब भी किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हम एस लगा लेते हैं। हर जगह सिर्फ एस नहीं लगता होता है, बहुत सारे और भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, बस देखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ द प्लूरल नाउन, कैसे हम प्लूरल बनाएंगे? नंबर वन, द प्लूरल ऑफ ए नाउन इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। जब भी हम किसी सिंगुलर नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो हम नाउन में क्या कहते हैं? उसके आखिर में एस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? एस लगा लेते हैं। क्लियर? बस देखिएगा, बॉय
है बॉयज है, गर्ल है गर्ल्स है, ये तो यार बहुत आसान है जो हम इब्तदा से पढ़ता रहा है. This is very simple formula, and we have been using this formula since very start. Abtida hi se is formula ko use kara hai. Clear? Number second one kya hai? Nouns ending in s, sh, ch, o or x. कुछ ऐसे नाउन है जो या तो एस पे खत्म होंगे या एस एच पे खत्म होंगे या सी एच पे खत्म होंगे या ओ पे खत्म होंगे या एक्स पे खत्म होंगे. Form the plural by adding es to the singular noun. तो उसके आखिर में हम क्या लगाएंगे? es लगाएंगे. क्या लगाएंगे हम उसके आखिर में? es लगाएंगे. मैंने आपको भाव बताया कि सिर्फ s नहीं लगता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके आखिर में हमें es भी लगाना पड़ता है. कौन से नाउन होंगे जिसके आखिर में हमें es लगाना पड़ता है? अगर कुछ नाउन ऐसे हैं जो या तो आखिर में s पे खत्म हो जाए, एस एच पे खत्म हो जाए, सी एच पे खत्म हो जाए, ओ पे खत्म हो जाए, एक्स पे खत्म हो जाए, तो उसके आखिर में हम es लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल क्लास, क्लासेस. देखो ये आखिर में क्लास किस चीज पे खत्म हुआ है? एस पे खत्म हुआ है, तो हमने इसके आखिर में क्या लगा लिया? es लगा लिया. डिश, डिशेज. देखो ये एस एच पे खत्म हुआ है, तो हमने इसके आखिर में ई एस लगा लिया. ब्रश, ब्रशेस. मेज, सी एच पे खत्म हुआ है, मेज. टैक्स, टैक्सीज. पोटेटो, पोटेटोज. हीरो, हीरोज. आगे आपको बात समझ में क्लियर हो रही है आपको बात? ठीक है. देखो बहुत गौर से पढ़ना है यहाँ, ठीक है. ये फॉर्मूले बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज करते रहते हैं. कुछ नाम ऐसे हैं जो एस, एस एच, सी एच, ओ या एक्स पे खत्म होते हैं, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमें उनके आखिर में क्या लगाना पड़ता है? ई एस लगाना पड़ता है. जिससे मैंने एग्जाम्पल दे दिया, क्लास, क्लासेस. डिश, डिशेस. ब्रश, ब्रशेस. मेज, मेजेस. टैक्स, टैक्सेस. पोटैटो, पोटैटोज. हीरो, हीरोज. तो बात समझ आ रही है? क्लियर हो रही है आपको? ठीक है. द थर्ड वन, थर्ड फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज थर्ड फॉर्मूला? अब देखिएगा, यहां पर मैंने बात की ना कि कुछ नाउन ओ पे खत्म होते हैं तो उसके आखिर में ईएस लगता है. कुछ नाउन ऐसे भी है जो ओ पे खत्म हो रहे हैं लेकिन उसके आखिर में ईएस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगेगा. और ये है, ये नाउन है, यही नाउन है, ये इजाफी नहीं है. मसलन देखिएगा, अ फ्यू नाउन्स एंडिंग ओ एडिंग ओनली एस टू द सिंगुलर नाउन. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, डायनामो में डायनामोस, पियानो में पियानोस, लोगो लोगोस, रेशियो रेशियोस. क्लियर? लेकिन इन नाउन्स को आप याद रखिएगा, बिकॉज ये लिमिटेड नाउन है जिनके आखिर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ एस इस्तेमाल करते हैं. वजूद इसके कि ये नाउन सिंगुलर ओ पे खत्म हो रहे हैं लेकिन हम उसके आखिर में सिर्फ एस लगा रहे, ई एस नहीं लगा रहे. लेकिन इससे ऊपर वाले फॉर्मूले नंबर टू में हमने देख लिया कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो ओ पे खत्म हो रहे हैं लेकिन उसको प्लूरल बनाते हुए ई एस लगाना पड़ता है. मसलन पोटैटो, पोटैटोस. हीरो, कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसके आखिर में वाई आता है लेकिन प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट फ्रॉम द प्रोसीडेड बाई, यानी प्रीसीडेड बाई कॉन्सोनेंट, लेकिन उस वाई से पहले कॉन्सोनेंट आते हैं. अब कॉन्सोनेंट क्या चीज है? अगर ए बी सी में से आप वावल निकाल लेते हो, A, E, I, O, U, ये वावल कहलाते हैं. अगर ये निकाल लेते हो तो बाकी जो रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. ये बात होती रहेगी, ठीक है. कुछ नाउन जो है वो वाई पे खत्म होते हैं लेकिन अगर उस नाउन में वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है फिर उसका प्लूरल कैसे बनाओगे? उस वाई को आप आई में चेंज करते हो और फिर इसके आखिर में ई एस लगाते हो. या आप सिंपल ये कह सकते हो कि उस वाई को आप आई एस में चेंज करते हो. उस वाई को आप किस में चेंज करते हो? आई एस में चेंज करते हो. फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, बेबी, इसका प्लूरल क्या है? बेबीज. अब देखिए आखिर में क्या लगा हुआ है? वाई लगा हुआ है लेकिन उस वाई से पहले क्या लगा हुआ है? बी, जो कि कॉन्सोनेंट है. ए आई ओ यू, ये वावल है. जब ये निकाल लेते हैं तो बाकी जो रह जाते हैं वो कॉन्सोनेंट है. अब देखो बेबी, बेबीज, वाई को हमने आई एस में चेंज कर लिया. लेडी, लेडीज, देखो लेडी, एल ए डी वाई, वाई से पहले क्या लगा हुआ है? डी लगा हुआ है. लेडीज. सिटी, सिटीज, देखो सिटी है, वाई से पहले टी आया हुआ है. क्लियर? आर्मी, आर्मीज. स्टोरी, स्टोरीज. पोनी, पोनीज. फॉर्मूले की समझ आ रही है?
क्लियर हो गया आपको? ठीक है, अगर कोई ऐसा नाउन जो वाई पे खत्म हो रहा है लेकिन उस वाई से पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो उस वाई को आप किसी शॉर्ट कट सुन लीजिएगा, किसी में चेंज करेंगे, आई एस में चेंज करेंगे, मसलन बेबी बेबीज, लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, आर्मी आर्मी, स्टोरी स्टोरीज, पोनी पोनीज, यस अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, क्लियर? अनदर वन, नंबर फिफ्थ देखिएगा, फॉर्मूला नंबर फिफ्थ देखिएगा, नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो जिसके आखिर में या तो एफ आएगा या एफ ई आता है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इनटू वी एंड एडिंग एस, तो ये जो एफ होता है या एफ ई होता है, क्लियर है, इसको हम किस में चेंज करते हैं, वी में चेंज कर लेते हैं और आखिर में ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, ठीक है, थीफ है, अब देखो आखिर में क्या लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, थीव्स, अब देखो ये एफ को हमने यानी पर अब देखिएगा वी यानी ई वी एस में चेंज करें, वाइफ वाइफ्स, लाइफ लाइव्स, लीव लिव्स, लव लव्स एटसेट्रा, थोड़ी बहुत समझ आ रही है आपको, क्लियर हो रही है? देखिए आपको मुश्किल नजर आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बार बार रीड आउट करोगे तो ये खुद बहुत समझ आ जाता है। नंबर फिफ्थ और सा आपको अब दोबारा बता दूं कि नाउन्स एंडिंग एफ और एफ ई, अगर कोई नाउन या तो एफ पर खत्म होते हैं या एफ ई पर खत्म होते हैं और आपने उसको प्लूरल बनाना हो तो वो जो एफ होता है, समझ आ रही है आपको बात? ठीक है, ओ बस करो यार, मोहम्मद क्या नाम है यार, डोंट डिस्टर्ब दिस क्रिया, ये क्या कर रहे हो? ठीक है, हाँ मिस्टेक में, ओके सॉरी यार, ठीक है। अब देखिएगा ये जो एफ ये एफ ई है, इसको आप वी में चेंज कीजिएगा और आखिर में ई एस लगा लीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, थीफ है, थीव्स हो जाएगा, वाइफ है, वाइव्स हो जाएगा, लाइफ है, लाइव्स हो जाएगा, लीव है, लीव्स हो जाएगा, लूव है, लूव्स हो जाएगा। क्लियर नहीं आपको? यार आप परेशान ना हो, आप ये ना समझे कि ये जो है ना आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जो भी ऑफिस लाइफ में आप आ गए, क्लियर? तो ये खुद वक्त में समझ आ जाएंगे। अब देखो इस नंबर फिफ्थ के साथ एक और भी फॉर्मूला है, देयर इज अनदर फॉर्मूला, फॉर एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ के साथ, बट सम नाउन्स एंडिंग इन एफ ई और एफ, कुछ ऐसे भी नाउन है जो एफ या एफ ई पे तो खत्म हो रहे हैं लेकिन हम उसको प्लूरल जब बनाते हैं तो सिर्फ एस लगा लेते हैं, और ये बहुत शॉर्ट अल्फाज है जो आपने सिर्फ याद रखने, मसलन चीफ है, चीफ्स है, अब देखो आखिर में एफ है लेकिन हमने इसको प्लूरल कैसे बनाया, चीफ्स, सेफ है, देखो एफ ही पे खत्म हो गया, सेफ्स, एस लगा लिया, प्रूफ है, प्रूफ्स, डॉर्फ है, डॉर्फ्स, हूफ है, हूफ्स, समझ आ गया? बच्चे ये वो वर्ड्स है यार जो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंग्लिश में ऐसे ही है और अब ये चेंज नहीं हुए हैं, जो कि तुम हमारे पास आ गया, So, इस वजह से हम भी इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? आई होप आपको क्लियर हो रही है। नंबर सिक्स पर बोला आपको देखिएगा, सम नाउन्स फॉर्म द प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वावल ऑफ द सिंगुलर नाउन, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उन नाउन के इनसाइड जो वावल होते हैं वो चेंज करते हैं, मतलब देखिएगा मैन ये सिंगुलर है, हमने मैन इसका प्लूरल बना लिया, यानी ए को ई में चेंज कर लिया, वुमन सिंगुलर है, वुमन इसका प्लूरल है, फूट सिंगुलर है, फीट इसका प्लूरल है, टूथ सिंगुलर है, टीथ इसका प्लूरल है, माउस माइस, लव्स लाइस, क्लियर है? ये सिर्फ यार याद करने वाली बात होती है, इतनी मुश्किल है नहीं है, आई होप इंशाल्लाह किसी से भी आपको ये मुश्किल नजर नहीं आएंगे, क्लियर? देयर आर सो मेनी फॉर्मूलास, ठीक है, नंबर सिक्स के बाद क्या है, नंबर सेवन आता है, नंबर सिक्स के बाद क्या आएगा, नंबर सेवन आएगा, क्या आता है, नंबर सेवन। अब देखिएगा सम नाउन्स हैव दिस सिमिलर इन द प्लूरल लाइक, कुछ ऐसे भी नाउन है जिसके सिमिलर प्लूरल एक जैसे है, मसलन डियर सिमिलर भी है और ये प्लूरल भी है, शीप सिमिलर भी है, प्लूरल भी है, डजन सिमिलर प्लूरल, स्कोर जिसको कहते हैं, ग्रास फिश वाटर एटसेट्रा, ये सिमिलर प्लूरल एक जैसे है। सम नाउन्स आर यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, दे डू नॉट हैव सिमिलर फॉर्म, कुछ ऐसे भी नाउन है जो सिमिलर वर्ड्स हो ही नहीं सकते, वो हमेशा सिर्फ प्लूरल इस्तेमाल, मिसन सीजर्स, किसी क्या होता है कैंची, ये कैंची का एक हिस्सा तो काम नहीं करता, स्पेक्टिकल्स ग्लासेस जिसको आई मीन जो ग्लासेस यूज करते हैं
क्लियर है? आई मीन देखें, जो शीशे आप यूज करते हो, ग्लासेस आप यूज करते हो, उसका सिनोनिम तो नहीं हो सकता है यार। इसी तरह हम इसको ग्लासेस भी कहते हैं। ट्राउजर जो है यार, इसके दो हिस्से होते हैं यार, एक हिस्सा स्क्रीन होता है ना, ड्रॉर्स, ठीक है, जींस, टाइट्स, पजामा एक्सेट्रा, ये सारे आई मीन ये हमेशा सिंगुलर है इसका, सॉरी प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं हो सकता। क्लियर? कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जिस तरह मैंने पहले आपको एग्जांपल दे दी, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसमें दो नाउन शामिल होते हैं। क्लियर? फॉर्म इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ब, यानी दो नाउन होते हैं तो जो प्रिंसिपल नाउन होता है, मेन नाउन, ओरिजिनल नाउन होता है, उसके साथ आपने इसको योग करना होता है, एस लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल कमांडर इन चीफ, अब देखो हमने कमांडर्स इन चीफ, चीफ भी तो नाउन है, कमांडर भी नाउन। सन्स इन लॉ, अब देखिएगा सन्स, डॉटर्स इन लॉ, स्टेप सन्स, मैन सर्वेंट्स, मैन ऑफ वॉर। क्लियर हो गया आपको बात? ठीक है, सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ मेकिंग द प्लूरल नाउन। यस, आई होप आपको समझ आ चुके होंगे। आप प्लीज इसको रिवाइज कीजिए लाइक दो दफा, ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम आगे स्लाइड पे जाते हैं। जी सुनता हूँ यार, वॉइस प्रॉब्लम है, ठीक है, रिमूव नहीं हो रहा, एक सवाल छोड़ दे, कोई ऐसी बात नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छा सर पन फाइल भी कर दी, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप एक बोर्ड पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर फाइव की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, यही कहते हैं मेरे पास मुझे बोर्ड में दोबारा बता देता हूँ कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जिस जो या तो एफ के खत्म होने या एफ ई पे खत्म होते हैं। अब जब आप उसका प्लूरल बनाते हो तो उस एफ को या एफ ई को आप वी में चेंज कीजिएगा और फिर आखिर में ईएस लगा लीजिएगा। मसलन देखिएगा थीफ है, इस आखिर एफ को हमने वी में चेंज कर दिया और आखिर में ईएस लगा लिया। वाइफ है, एफ ई को हमने वी में चेंज कर दिया और आखिर में ईएस लगा लिया। लाइफ है, लाइफ बन गया। लीफ है, ठीक है, लीव्स बन गया। लूफ है तो लूज बन गया। लेकिन मैंने आपको बात बताई कि कुछ ऐसे भी नाउन है जो एफ या एफ ई पे तो खत्म हो रहे हैं लेकिन उसको प्लूरल बनाने के लिए हम सिर्फ एस लगाते हैं। ये ऐसे नाउन है जो अमीन इब्तिदा से, मसलन देखिएगा, चीफ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, बॉर ड्रॉप्स, हुफ हुफ्स। यस, क्लियर? तो प्लीज इसको रिपीट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह हम आगे चैप्टर की तरफ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आएंगे और आगे रहें। आपने बार बार इसको रिपीट करोगे तब जाकर आपकी क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, मुश्किल वाली बात नहीं होगी इंशाल्लाह। यस प्लीज, समझ आ रहे हैं? और से पढ़ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है, क्योंकि इन्हीं में से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन देगा, है ना, तो ताकि आपको समझ आ सके। जी प्लीज, ठीक है, यस सर, ओके सर, गुड, थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है, आगे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, जो और रूल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 789 है या पता नहीं क्या कुछ है, ठीक है, इसको आप प्लीज पढ़ लीजिएगा, इसी भी रिपीट कीजिएगा, एंड देन गो टू द अदर स्लाइड्स। जी ये बहुत अच्छी बात है यार, अल्लाह करे आप सबको ये हमेशा माइंड में याद रहे यार, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई इशू ना हो, ठीक है। Yes, आगे जाता हूँ, ठीक है, नाउन्स इन पोजीशन, नाउन्स इन पोजीशन, बस इसके बाद तो नाम खत्म हो जाएगा या आखिर टॉपिक हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद कहते हैं नाउन इन पोजीशन, ठीक है, नाउन इन पोजीशन क्या चीज है, क्लियर,
देखिएगा जरा नॉन इन ए पोजिशन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर आप सिर्फ जो है ना वर्ड से इसको देखोगे तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लुक एट दिस एग्जांपल्स, अगर आप इन एग्जांपल को देखते हो, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए इमरान खान ये भी नॉन है, प्राइम मिनिस्टर ये भी नॉन है, अरे आपको बात समझ में। लेकिन ये जो भी प्राइम मिनिस्टर जो नाउन है ये किसको शो करता है, किसको रेफर करता है, इमरान खान को रेफर करता है। अरे आपको बात समझ में। अलामा इकबाल द नेशनल पोएट वाज अ ग्रेट पोएट, अलामा इकबाल ये भी नाउन है और द नेशनल पोएट ये भी नाउन है, लेकिन द नेशनल पोएट किसको रेफर करता है, अलामा इकबाल को रेफर करता है। ऐसी बात है। अब देखिएगा, आई मेट योर अंकल, मैं आपके अंकल से मिला, डॉक्टर है जो कि डॉक्टर है, अंकल भी नाम नाउन है, दी डॉक्टर जो है ये भी नाउन है, और डॉक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, अंकल को रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर आर वन एंड द सेम पर्सन। ऐसी बात है कि नहीं, इस तरह से उसको देखिएगा, इमरान खान और द प्राइम मिनिस्टर ये एक ही बन रहे हैं, हम एक ही बनने की बात कर रहे हैं, क्लियर। सिमिलरली अलामा इकबाल द एम द नेशनल and the national, I mean poet, to and the national poet are one and the same person. ये भी एक ही बंदा है, clear? The noun, the prime minister, ये जो noun है पहले sentence में, यानी PM, prime minister मैंने shortcut लिखा हुआ है, ठीक है? ये क्या करते हैं? यानी सवाल दिए, ठीक है? Follows the noun Imran Khan. ये पहले noun Imran Khan के बाद आ रहा है. Therefore, when one noun follows another to describe it, अगर कोई noun एक noun के बाद आता है और जो बाद में आने वाला noun है वो पहले noun को describe करता हो, पहले noun को refer करता हो, तो इस noun को हम क्या कहते हैं, इसको हम noun in opposition कहते हैं, जो मैंने red color में लिखे हुए, clear हो गया? Because ये अपने से पहले वाले noun को represent करते हैं, और ये कोई दूसरा बंदा नहीं है। देखिएगा वसीम, ठीक है, और कैप्टन प्लेड वेल, समझ आ गया आपको बात, क्लियर। अगर मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल, देखिएगा वसीम और कैप्टन प्लेड वेल, अब देखिएगा ये वसीम और कैप्टन क्या है, ये दोनों एक ही बंदे हैं, ये दोनों क्या है, एक ही बंदे हैं, एक ही बंदे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन और कैप्टन क्या कहलाएगा, नॉन इन पोजीशन कहलाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, ये वसीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप बात समझाएंगे, क्लियर। सो कोई भी ऐसा नाउन किसी सेंटेंस में जो अपने से पहले नाउन को रिप्रेजेंट करता हो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपको बात, ठीक है, एक दफा रिपीट कीजिएगा, अगर समझ ना आ रहे हो, ठीक है, तो प्लीज आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये नाउन जो है ना खत्म हो गया, इसे नोट्स करने के लिए दीजिए, इंशाल्लाह मैं अभी आपको भेज दूंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और यस प्लीज रिपीट कीजिएगा, ठीक है, एंड आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। वी आर लेफ्ट विद द 8 मिनट्स, और मेरे ख्याल में हमें बस हो, ये टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अगर हम मजीद पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक फिर कंप्लीट नहीं होगा और आपको शायद समझ भी नहीं आएगा, क्लियर हो गया आपको, तो मेरे ख्याल में इनफ है। यस प्लीज प्लीज बोले, जवाब दे दिया जी, ये सर नाम जवाब दें, कोई भी नहीं बोलता होता यार, ओके थैंक यू वेरी मच यार, ठीक है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मसलन मैं तो पढ़ा सकता हूँ, बट आई थिंक इज दैट कि ये बहुत जल्द मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट मैं कहता हूँ कि यहाँ तक इनफ है, क्लियर। आप इसको एक दफा रिपीट कीजिएगा, इसको भी रिपीट कीजिएगा, एंड देन वी गो, आई मीन ठीक है, आई मीन नेक्स्ट क्लास जो हमारी पता नहीं कब होगी, तो इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे, क्लियर। ये देखिएगा इसको जरा, ये नौ नंबर जो है ना, इसको प्लीज एक दफा दोबारा देख लीजिएगा, फिर हम ऊपर एक ही सर काइंडली ये नोट्स वगैरह जो भी हैं आपके पास, ये मैं पीडीएफ या वर्ड फॉर्म में तो सेंड कर दीजिए।